नई सरकार का गठन हो चुका है, कुछ दिनों में संसद का सत्र भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इसी बीच जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं लोकसभा स्पीकर को लेकर के, कि लोकसभा स्पीकर कौन होगा। अलग अलग जानकारी सामने आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रख सकती है और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अपनी सहयोगी पार्टियों में से किसी को दे सकती है। हालांकि जो नाम होगा वो नाम कौन सा होगा और उस पर एनडीए की सहमति हो और विपक्ष जो है उससे भी बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को इसके लिए की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो एनडीए और विपक्षी दलों से बातचीत कर ले। हालांकि इस मामले में चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल गया है, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि ये एनडीए का मामला है और जिस तरीके से एनडीए ने अभी सरकार बनाई है, मिलकर के बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बनाई है, इस मामले पे भी विचार मंथन करेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा। पटना में नीट प्रश्न पत्र मामले में अनुसंधान को नई दिशा मिल गई है। अब तक पटना पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की छानबीन में जुट गई है। कल और परसों यानी 18 और 19 जून को वैसे परीक्षार्थियों को बुलाया गया है जिनका नाम गिरफ्तार आरोपियों ने लिया है, और ऐसे 9 परीक्षार्थी हैं जिनका नाम पुलिस के समक्ष लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने ऐसे परीक्षार्थियों के पेरेंट्स को नोटिस देकर कल और परसों बुलाया है। ये तमाम परीक्षार्थी यूयू में उपस्थित होंगे और इनको इंट्रोगेट किया जाएगा। इनसे उन तमाम तथ्यों पर चर्चा होगी जो पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई की ये कोशिश है कि कुछ एविडेंस प्राप्त हो सके ताकि कोर्ट के समक्ष सारी बातें रखी जा सके। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद जो छापेमारी हुई है उसमें जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं जिसको FSL जांच कर रही है, यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास वो प्रश्न पत्र है जो एविडेंस के रूप में है। इसके बावजूद आर्थिक अपराध इकाई और एविडेंस बढ़ाने की जुगत में जुट गई है और इसी के तहत उन परीक्षार्थियों को बुलाया गया है जिनका नाम आरोपियों ने लिया है। कल और परसों का इंट्रोगेशन खास होगा और उसमें जो तथ्य निकलेंगे उसी के आधार पे अनुसंधान आगे बढ़ेगा और ये तय होगा कि आखिर पटना से जो प्रश्न पत्र लिख हुए हैं उसमें क्या एविडेंस है और इस जांच को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाला मध्य प्रदेश में मानसून अब लेट हो गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार कमजोर होने के कारण ये मानसून लेट हुआ है। मध्य प्रदेश में सामान्यतः 18 जून तक मानसून आ जाता है, मगर अब ये मानसून 22 जून तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के दक्षिणी भाग से ये मानसून प्रवेश करेगा और इससे पहले प्री मानसून की गतिविधियों के तहत प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बरसात के दौर जारी रहेंगे, जिससे बालाघाट, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित भोपाल और इंदौर में भी बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि कई स्थानों पर दिन के तापमान में कोई अंतर नहीं आया है। कई शहरों में तापमान अभी भी 40 से 45, 46 डिग्री तक बना हुआ है। चित्रकूट में दिन का तापमान 46 डिग्री से ऊपर चला गया था। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी गतिविधियों के तेज होने के बाद स्थितियां बदलेंगी और तापमान में गिरावट आएगी। कहीं ना कहीं जो अभी तापमान बुंदेलखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ है वो अब 2-3 डिग्री कम हो सकता है। 22 जून से मानसून आने की संभावना जताई गई है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बिहार के सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक विवादित बयान सामने आया है। इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। देवेश चंद्र ठाकुर ने यादवों और मुसलमानों को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं यादवों और मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा, वो आए खाएं चाहे नाश्ता करें और चले जाएं। पहले की जैसा, अभी की जैसा, हर आदमी का काम कर देता था, हर माइनॉरिटी का, हर यादवंशी का,
मैंने कहा वो दुकान यहाँ बंद हो गया है, माफ कीजिए, अब यहाँ से वो काम और खाली चुपचाप से जहाँ जाइए ये बात बोलिए कि मैं गया देवेश बाबू के यहाँ से, देवेश बाबू ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कहा। मैं चाहता हूँ इस बात का प्रचार हो, आप अपने समाज में प्रचार कीजिए ताकि मेरे यहाँ की भीड़ जरा कम हो, दूसरे लोग जो बेचारे नहीं हो मेरे से काम ले सकते हैं, भीड़ के चलते अभी भी हजार आदमी रोज सुबह सुबह रहता है, हमको समय नहीं मिलता है तरह काम करने, लेकिन हम चाहते हैं कि यह संदेश जाए कि देवेश ठाकुर इतने नाराज है दोनों समाज से कि काम के लिए बार बार मना कर रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है कि मैं 22 साल से सक्रिय राजनीति में हूं और मुसलमानों यादवों के लिए मैंने काम किया है, लेकिन हालिया में जो चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा, उसमें उनको सपोर्ट नहीं मिला। इसको लेकर के देवेश चंद्र ठाकुर को नाराजगी देखी गई है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सरकार गठन के साथ ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आगे आने वाले महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर शामिल है। इसको देखते हुए बीजेपी इन 4 राज्यों के लिए संगठन प्रभारी और चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी ने सबसे पहले महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी को बदलते हुए वहाँ भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया है। इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनको सहप्रभारी का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ साथ हरियाणा की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है, जबकि विप्लव दे जो पहले प्रभारी हुआ करते थे उनको सहप्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा झारखंड में शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ साथ हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको सहप्रभार का जिम्मेदारी दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी को दी गई है। बीजेपी चाहती है कि इन 4 राज्यों में बीजेपी का परचम फहराए। फिलहाल 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और एक जगह जम्मू कश्मीर में सितंबर तक चुनाव कराने हैं, जहां पहली बार राज्य पुनर्गठन के बाद चुनाव होने हैं। रमेश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी आलाकमान के द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। आलाकमान के अनुसार अब से लगातार हर महीने, चाहे वो जून का महीना हो, जुलाई का महीना हो, इस समय से लेकर दिसंबर महीने तक जब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है, लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। सबसे पहले एक महीने तक पार्टी चूल्हा प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह कराएगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो बूथ स्तर की जो इसकी इकाई है संगठन की, उस इकाई को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से पार्टी ने अब कमर कस ली है। पार्टी के विधानसभा बार बेसिक स्ट्रक्चर पर सबसे निचला इकाई पर काम करने वाला चूल्हा प्रमुख और ग्राम प्रभारी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह हर विधानसभा बार करने का निर्णय लिए। ये क्रमबद्ध रूप से होगा, जहां ये काम पूर्ण हो गया वहां मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, उन्हें अपने पद और उनके दायित्व का और उस संदर्भ में अपने विचार हम रखेंगे। पार्टी के संगठन के मुखिया जो हैं वो लगातार इस पर खुद ही निगाह रखेंगे। इसके अलावा जुलाई महीने में, अगस्त महीने में जब अगस्त क्रांति का दिन आएगा या हूल दिवस का मौका होगा, इन तमाम अवसरों को कहीं न कहीं पार्टी का ये निर्णय है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इन तमाम जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जो झारखंड आंदोलन से जुड़ी हुई तिथियाँ हैं, उन तिथियों पर लगातार कार्यक्रम कर लोगों के बीच जाने का प्रयास करेगी। दरअसल AJSU बीजेपी के साथ इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है और सारी परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। ऐसे हालात में AJSU को लगता है कि लगभग 1 दर्जन सीटों पर वो चुनाव विधानसभा का लड़ सकती है। ऐसे हालात में ये जरूरी है कि पार्टी की तैयारी पूरी तरह से माकूल हो और इसी को लेकर लगातार पार्टी ने बीजेपी को ये संदेश देना शुरू कर दिया है कि वो पूरी तरह से तैयार है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और काशी के सांसद चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी के दो दिवसीय दौरे पर कल यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहां जोरदार तैयारियां की गई हैं, चूंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी में वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में काशी के लोगों में और भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है। प्रधानमंत्री यहां सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे वहां से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज पहुंचेंगे और वहां पर पूरे देश के किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की किसान निधि की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और अपनी काशी से ही वो करीब देश के 9.5 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री वही किसानों से संवाद भी करेंगे। किसान संवाद सम्मेलन में वाराणसी संसदीय क्षेत्र के करीब 50,000 किसान वहां पर जुटेंगे, जिनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और किसानों के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा को प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मेलन के बाद काशी विश्वनाथ दरबार में पहुंचेंगे, लोगों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस पहुंचकर वहीं रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन यानी 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी से विदा होंगे। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। वाराणसी में मंगलवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। वह 4:25 पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से मेहदीगंज पहुंचेंगे, राजा तालाब स्थित सभा स्थल पर जहां वो किसानों को संबोधित करेंगे, वहीं किसान सम्मान निधि का भी वो कल रिलीज करेंगे। दूसरी तरफ वाराणसी के जिला प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर के तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ कर दी है और आज उसका फाइनल रिहर्सल भी कर रही है। वाराणसी के पुलिस लाइन स्थित सभागार में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, एडिशनल सीपी तथा जिलाधिकारी ने एक संयुक्त बैठक करके इस पूरी तैयारी का खाका खींचा तथा फाइनल रिहर्सल किया। इस दौरान बनारस में लगभग 14 आईपीएस वाराणसी के तथा साथ ही साथ 15 आईपीएस बाहर से जो लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, साथ ही 3,000 के ऊपर सब इंस्पेक्टर तथा इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है, एटीएस की ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही साथ अगर पीएसी है, आरएएफ के जवान है वाराणसी में, तो ये सब मिलाकर के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर पैरामिलिट्री फोर्स, एटीएस की टीमें, लोकल पुलिस लगाई गई है। 25 हमारे आईपीएस अधिकारी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उनके साथ में करीब 70 राजपत्रित अधिकारी, 3,000 हमारे पुलिसकर्मी, 500 एसआई रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक का डाइवर्जन रूट पर 11 बजे से आरंभ हो जाएगा। पार्किंग की वृद्ध व्यवस्था की गई है। अगर प्लान की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से सीधे राजा तालाब स्थित मेहदीगंज सभा स्थल पर जाएंगे, जहां से वह सभा को समाप्त करने के बाद वापसी पुनः पुलिस लाइन में आएंगे और पुलिस लाइन से सड़क मार्ग से वह सबसे पहले गंगा आरती में भाग लेंगे और गंगा आरती के बाद बाबा काशी विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन करने के बाद बरेका गेस्ट हाउस प्रस्थान करेंगे और वहां से अगले दिन सुबह पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। कैमरा पर्सन नवनीत राय के संग बिमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। दिल्ली में पानी की समस्या दिन पर दिन और ज्यादा बद से बदतर होती चली जा रही है। उसकी वजह है कि दिल्ली में पानी की समस्या के समाधान के बजाय राजनीति हावी होती दिख रही है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, भाजपा आम आदमी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। 15 दिन लगभग बीत गए, एक पखवाड़ा बीत गया है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी आज का अगर हम अपडेट आपको बताएं तो अभी भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्ट किया कि यदि भाजपा के 7 सांसद जो कि दिल्ली से आते हैं, भाजपा के केंद्र में सरकार है, यदि ये चाहें और हरियाणा से पानी रिलीज करा दें तो दिल्ली की प्यास को बुझाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि पिछले ही दिनों आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मिलने के लिए गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। लगातार भाजपा के नेता आम आदमी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, केजरीवाल सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो पानी की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के जल मंत्री अतिशी ने पिछले ही दिनों एक
डिटेल दिखाया था जिसमें बताया था कि हरियाणा से जो दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ा जाना चाहिए वह पूरा नहीं छोड़ा जा रहा है। वह उन्होंने एक पूरा डिटेल कोर्ट में भी पेश किया हुआ था। यह पूरा मामला कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट ने भी इसके लिए एक समिति बना करके यमुना जल बोर्ड के साथ में बैठक करने की बात कही है और कहा है कि इसका निराकरण करें, इसका हर हाल में हल निकालें, क्योंकि ये समस्या आम लोगों के जनजीवन से जुड़ी हुई है और ऐसा नहीं है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोगों का जनजीवन प्रभावित नहीं होगा। लोगों का जनजीवन इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और इस बात का ख्याल हर जिम्मेदार को रखना चाहिए। कोर्ट की इस सलाह और इस फटकार के बाद भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार राजनीति कितनी ज़्यादा हावी हो गई है लोगों के आम आवश्यकताओं पर भी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली में पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। अभी बोरिंग जो है वो खराब हो गया था, कल बना है, इसके बाद आज पानी का सप्लाई हो चुका है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इसमें सोडियम ज्यादा होता है, ये शरीर पे प्रभाव डालता है। लगातार 15 दिनों से किल्लत बनी हुई है। संजय कैंप समेत दिल्ली के 12 ऐसे इलाके हैं जहां पानी की भारी किल्लत है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। इसमें पीस कौन रहा है? जनता पीस रही है। सवाल ये उठता है कि समाधान और निजात कैसे मिलेगा? क्या पानी की अभी भी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर, पानी तो मिलती नहीं है। पहली बात तो जिसके पास पाइप है उसे थोड़ी बहुत पानी मिल जाती है, वहाँ की नहीं मिलती। टैंकर आता है कि नहीं आता है? आता है, दो टाइम टैंकर आता है, सुबह और शाम। यहाँ पे आते दो टैंकर, यहाँ पे एक ही आता है और वो भी नहीं आता अब, और वहाँ पे जो आता है वहाँ पे भी एक ही आ रहा है, अब एक भी टैंकर नहीं आ रहा है। सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। क्यों अपनी समस्या नहीं बताओगे? जब आप बहुतों को बता दी मैंने, बहुत आ गए यहाँ पे कोई आके मदद नहीं कर रहा किसी की भी। दो नजारे हैं, एक तरफ पानी की किल्लत है, लोग पानी से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन है। इनके नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल की सरकार जो है वो पहले से क्यों नहीं, जब पानी की किल्लत हर गर्मी में आती है, उस किल्लत को लेकर के पहले वो सक्रिय क्यों नहीं होते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट आए हुए महज 12 दिन हुए हैं, लेकिन इसे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में मांग की गई है कि जिन लोकसभा सीटों पर बहुत कम मार्जिन से रिजल्ट आए हैं वहां पर दोबारा चुनाव कराया जाए, और यह लोकसभा सीट महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कहे जा रहे हैं। याचिकाकर्ता के माने तो वहां पर धांधली भी हुई है। इन्होंने चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठाई है, क्योंकि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने याचिका दायर की थी और कहा था कि वो लोकसभा 2024 का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट दे, जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित रख लिया था। हालांकि जल्द सुनवाई की मांग को लेकर इन्होंने कई बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेंशनिंग की। इन्हें उम्मीद है कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई कर सकता है। अब देखना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मिश्रा की इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट से जो नरेंद्र मिश्रा ने मांगी की है उस मांगों पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो पाता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट पर अभी तक घमासान मचा हुआ है। अमोल कीर्तिकर का दावा है कि वो चुनाव जीत गए थे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके और इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके बीजेपी और शिवसेना ने उनको हरवा दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का कहना है कि इस तरीके की कुछ भी बात नहीं हुई है, झूठा और मनगढ़ंत आरोप उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से लगाया जा रहा है। जिसके बाद महाराष्ट्र के इस सीट की चर्चा पूरे देश भर में होने लगी।
राहुल गांधी ने एक अखबार का हवाला देते हुए ट्वीट किया और कहा कि इस तरीके से इलेक्शन कमीशन मैनेज है और उन्होंने किस तरीके से फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए एक उम्मीदवार के रिश्तेदार को दिया, जिसके बाद वो सीट उद्धव ठाकरे ग्रुप हार गया। हालांकि एकनाथ शिंदे ग्रुप लगातार कह रहा है कि इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और ऐसे में पहले कुछ भी कहना और बोलना ठीक नहीं होगा। मामला जो भी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर से एक बार सवालिया निशान विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट को जानबूझकर सरकार के दबाव में आकर के सरकारी तंत्र ने उद्धव ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को हरवा के शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर को विजयी करवा दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी तूफान मचा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर 48 वोट से रविंद्र वायकर चुनाव जीत गए, जिसके बाद महाराष्ट्र सहित पूरे देश में ईवीएम और हैकिंग को लेकर के फिर से बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ संजय निरुपम हैं, शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता हैं। संजय जी, ईवीएम हैक हुआ क्या? अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी दो दो जगह से 2.5-3 लाख वोट से जीत जाते क्या? अगर ईवीएम हैक होता तो क्या बीजेपी 240 सीट पे रुक जाती क्या? अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस को क्या 99 सीटें मिल जाती? अगर ईवीएम हैक होता तो क्या शिवसेना के बाकी जो सांसद मुंबई में जीते वो जीत जाते? नहीं, लेकिन जिस तरीके से कल से अखबारों में खबर है कि मोबाइल पे ओटीपी आया, ओटीपी से चेंज हुआ, फिर उसके बाद राहुल गांधी तक इस चीज़ को बयान जारी करते हैं, आदित्य ठाकरे बोलते हैं, पूरा विपक्ष एकजुट होकर कहता है कि उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम ने जो महायुति के कैंडिडेट को जिताया। सबसे पहले उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट ठाकरेगढ़ उबाठा हार चुकी है और एक बार आप सीट हार गए हैं तो उसको स्वीकार कर लीजिए, भले ही 48 वोट से सही। लोग कई कई बार एक वोट और दो वोट और 9 वोट से भी हारते हैं। जिस अखबार ने कल छापा उस अखबार ने आज माफी मांग ली है। उस अखबार ने खुद बोला कि वो हेडिंग गलत थी, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। अब मेरा सवाल है कि जब अखबार ने माफी मांग ली तो उस अखबार की फर्जी खबर और झूठी खबर को चलाने वाले सारे नेता देश भर के क्या वो भी माफी मांगेंगे? आज जब अखबार ने माफी मांग ली तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए, प्रशांत भूषण को माफी मांगनी चाहिए, आदित्य ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए। इन सब लोगों ने एक झूठी खबर का प्रचार प्रसार करके पूरे देश के लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। बिल्कुल, जिस तरीके से संजय निरुपम कह रहे हैं कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर और इसमें खुद विपक्ष के लोग शामिल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।